वंदना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाइनीज मैगी। इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने दो प्याज लिया है, इसको मीडियम साइज, और ये शिमला मिर्च लिया है मैंने एक बड़ा साइज का था, इसको भी मीडियम साइज में मैंने कट कर लिया है। गाजर, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये दो तीन हरी मिर्ची हैं, इसको मैंने कट कर लिया है। ये दो चार लहसुन की कलियाँ हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और ये रही हमारी मैगी। सबसे पहले हम अपनी मैगी को उबालेंगे। इसको उबालने के लिए मैंने एक पैन में पानी रख दिया है और इसको मैं गर्म कर रही हूँ, और पानी में मैं एक फुल चम्मच ऑयल ऐड कर दूँगी। जब तक ये पानी उबलता नहीं है तब तक हम इसको गर्म करेंगे, और जब ये उबलने लगेगा हम इसमें अपनी मैगी को डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें ऑयल इसलिए डाला है ताकि हमारी मैगी चिपके ना और सभी एक दूसरे से अलग रहें। फिर देखिए हमारा पानी उबलने लगा है, अब इसमें हम अपनी मैगी को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी मैगी अब उबलने लगी है, और सारी मैगी आप देख रहे हैं किस तरह से ये सारी मैगी हमारी एक दूसरे से अलग हो चुकी है, और इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये सारी मैगी टूट जाती हैं। देखिए हमने कुछ इस तरीके इनको पकाया है, ये अभी उतने प्रॉपर तरीके से अलग नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, अब हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे, इसमें इसका पानी छान लेंगे और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर देंगे ताकि मैगी और ज़्यादा ना पके। फ्रेंड्स अब हम अपनी सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे, फिर उसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, और इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही भून लेंगे। प्याज हमने थोड़ी देर तक भून लिया है, ये कुछ इस तरीके से हो गई है। अब हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर लेंगे। और इसको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हमने जो अपनी गाजर कद्दूकस रखा था उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे इसको। हमें सारी सब्जियों को 80% ही इसमें फ्राई करना है, 100% नहीं पकाना है। ये देखिए हमारी सब्जियां हो गई हैं, अब इसमें हम अपनी अपनी मैगी ऐड कर लेंगे। एक चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हमने विनेगर ऐड किया है, नहीं डाला, टोमेटो सॉस, इसमें हम मैगी मसाला भी ऐड कर लेंगे अपना। अब हम अपने फॉर्क की हेल्प से इसको कुछ इस तरीके से प्रॉपर ऐड कर लेंगे। इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसको हम अपने सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी गर्मा गर्म चाइनीज़ मैगी बनकर रेडी है। आप लोग खाइए और ट्राई करके बताइए हमें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।